दोस्तों वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। काफ़ी आपको पीना पसंद हो या ना पसंद हो, आप स्याह काफ़ी पीते हो या सफ़ेद, इसके बारे में आपने सैकड़ों फर्जी बातें सुन रखी होंगी। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि काफ़ी पीने से हम बीमार हो जाते हैं, मसलन हमारा जिस्म खुश्क हो जाता है और पानी की कमी वाकया हो जाती है, दिल की और सरतान की बीमारी लाहक होने लगती है। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम अफराद को काफ़ी के मुस्बत पहलुओं का इलम है। काफ़ी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, इसमें काफ़ी ऐसे अज्जा पाए जाते हैं और ये सेहत बख्श होती है, लिहाजा काफ़ी पीने से नुकसान नहीं पहुँचता। ये रेशे की बीमारी और ज़ियाबीतस वगैरह से भी इंसान को महफूज रखती है। नाज़रीन, चूँकि ये ज़ियाबीतस के असरात को ख़त्म करती है, चुनाचा आप दिन में इसकी 6 प्यालियाँ भी पी सकते हैं। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि काफ़ी दिमाग को फ़ुआल और मुतहरक रखती है। इसके अलावा आपका मिजाज बहाल करती है, तवानाई बढ़ाती है, फहम व अदरक में इजाफा करती है। नाज़रीन, बहुत अरसा पहले ये बात सुनने में आ रही थी कि दिल के अमराज में काफ़ी नहीं पीनी चाहिए, इसलिए कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर काफ़ी को छाना ना जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल की सतह में भी इजाफा होता है। नाज़रीन, हालिया तहकीक से ये बात मालूम हुई है कि काफ़ी का दिल की बीमारी और सरतान से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, सर्दियों की आमद आमद है और सर्दियों में चाय और कावा और काफ़ी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जिस्म को गर्म रखने के लिए लोग इन मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। इन मशरूबात में काफ़ी की एक किस्म ब्लैक काफ़ी भी है, जिसको सिर्फ चंद लोग ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके तलख जायके की वजह से ये आम अफराद को पीने में मुश्किल होती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्लैक काफ़ी दरअसल चीनी और कावे से ज्यादा सर्दियों के मौसम में फायदेमंद होती है। माहरीन के मुताबिक रोजाना 3 से 4 कप काफ़ी पीने वाले अफराद में जिगर के मुख्तलिफ अमराज का खतरा तकरीबन 80% भी कम हो जाता है, जबकि इनमें जिगर का कैंसर होने के इम्कानात भी बेहद कम हो जाते हैं। स्याह काफ़ी आपके दिमाग में डोपामाइन नामी एक मादे की मकदार में इजाफा करती है। नाजरीन, ये वो मादा होता है जिसके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में सिग्नल पहुँचाने के लिए मदद फराहम करता है। डोपामाइन में इजाफे से आप पाकसीन जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। इस बीमारी का शिकार अफराद के आसाब सुस्त होने लगते हैं और इनकी चाल में लड़खड़ाहट और हाथों में थरथराहट होने लगती है। यही नहीं, डोपामाइन की ज्यादती और दिमागी खुलियात का मुतहरक होने से आपको बुढ़ापे के मुख्तलिफ दिमागी अमराज जैसे एंजाइम डिमेंशिया वगैरह से भी बचा जा सकता है। एक तहकीक के मुताबिक दिन में 2 से 3 कप काफ़ी पी जाए तो ये कुछ वक्त चहलकदमी करने के बराबर हो जाती है। ये फालज और इमराज कल्ब के खतरे को भी कम करती है। ब्लैक काफ़ी आप में ज़ियाबीतस यानी शुगर के खतरे को भी काफ़ी हद तक कम कर देती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचाई जा सके।